चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं अपनी फिल्म झुंड को लेकर। जी हां, झुंड जो कि 4 मार्च के दिन रिलीज हुई है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा कर रख दिया है। एक बार फिर से मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दर्शकों का दिल जीत लिया है बिग बी ने। एक बार फिर से बिग बी सिनेमा घर में धमाल मचाते हुए देखे जा रहे हैं। 79 इयर्स के हो चुके हैं अमिताभ बच्चन, लेकिन आज भी अपने फैंस को एंटरटेन करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए फैंस के बीच अपने दिल की बात भी शेयर करते हुए नजर आते हैं। जहां एक तरफ मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करते हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिलता है कि शूटिंग के दौरान की तस्वीरों को शेयर करते हुए भी देखे जाते हैं। दूसरी ही तरफ बिग बी ब्लॉग भी शेयर करते हैं और उन ब्लॉग्स में वह अपने पूरे ही दिन की बातों को लिखते हुए भी नजर आते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर आए दिन एक ऐसा ट्वीट कर देते हैं जिसको देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा चिंतित होते हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हम बात करेंगे एक बार फिर से बिग बी के एक ट्वीट के बारे में जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीते कुछ दिनों पहले ही बिग बी ने रात की तकरीबन 10 बजे एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने कुछ ऐसी बात लिख दी थी कि फैंस काफी ज्यादा चिंतित हो गए थे उनकी सेहत को लेकर। जी हाँ, बिग बी ने लिख दिया था कि धड़कनें बढ़ रही हैं और चिंता हो रही है। हालांकि बिग बी ने अपने ब्लॉग के जरिए भी अपनी दिनचर्या के बारे में लिखा कि आखिरकार वह किस तरीके से परेशान है। बिग बी के उस ट्वीट को पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस काफी ज्यादा चिंतित हो गए और उनसे सवाल पूछने लगे थे कि सब कुछ ठीक तो है सर, क्या आप ठीक हैं? उनकी सेहत को लेकर फैंस ने तमाम सवाल पूछ डाले थे। बता दें आपको, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है अमिताभ बच्चन, लेकिन वह कई गंभीर बीमारियों का शिकार भी रह चुके हैं। अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर आए दिन फैंस चिंतित होते हुए देखे जाते हैं। 75% लिवर उनका खराब हो चुका है। 25% लिवर पर वह बीते कई सालों से अपना जीवन बिता रही है और इस वजह से भी फैंस काफी ज्यादा चिंतित होते हुए देखे जाते हैं। लेकिन रिसेंटली अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनते हुए देखा गया है। एक बार फिर से देर रात उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं और अलग अलग रिएक्शन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आइए बताते हैं आखिरकार किस तरीके से फैंस कंफ्यूज हैं, तो वहीं चिंता में डूबे हुए भी देखे जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। फैंस के बीच ना सिर्फ अपने खुशनुमा पलों को, अपने फोटोशूट को, शूटिंग के दौरान की तस्वीरें और वीडियो शेयर करने के साथ साथ मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करते हुए अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए भी देखे जाते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि बिग बी ना सिर्फ ट्वीट्स के जरिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए बल्कि अपने ब्लॉग्स के जरिए भी अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए देखे जाते हैं, लेकिन आए दिन अपने ट्रीटमेंट्स को लेकर भी वह अपने फैंस के बीच जानकारी भी साझा करते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी बिग बी काम से दूरी बनाते हुए नजर आते हैं, उस दौरान भी वह अपने फैंस को पहले से ही जानकारी दे देते हैं। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन कई गंभीर बीमारियों का शिकार रह चुके हैं। अमिताभ बच्चन जो उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं और अक्सर देखा जाता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स को लेकर वह जानकारी साझा करते हुए भी नजर आते हैं। 78 साल के थे जब अमिताभ बच्चन, उस वक्त उन्होंने एक ब्लॉग शेयर किया था और बताया था कि मेडिकल कंडीशन सर्जरी। उस दौरान उन्होंने बताया कि वह अब सर्जरी करवाने वाले हैं। वहीं 37 साल पहले एक बड़ी लापरवाही हुई थी जब साल 1983 में फिल्म रिलीज हुई थी कुली, और कुली के शूटिंग के दौरान एक्टर पुनीत इस्तर के साथ एक फाइट सीन
फिल्माया जाना था। उस वक्त अमिताभ बच्चन बुरी तरह से घायल हो गए। अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से बिग बी के शरीर में खून की कमी भी हो गई थी और उस वक्त खून चढ़ाने के लिए आनन फानन में तकरीबन 200 डोनर्स से 60 बोतल ब्लड तक लिया गया था। उसी दौरान लापरवाही से एक हेपेटाइटिस बी से भी संक्रमित व्यक्ति का खून उनको चढ़ा दिया गया था, जिसके चलते वह हेपेटाइटिस बी का भी शिकार हो गए। अमिताभ बच्चन जहां एक तरफ 25% लिवर के सहारे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बी का भी शिकार हुए। इसके अलावा वह टीवी से ठीक हुए तो वह अस्थमा से भी परेशान हो गए। लिवर सिरोसिस के साथ अमिताभ बच्चन को अस्थमा की बीमारी भी हो गई। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि साल 2000 में उन्हें टीवी डिटेक्ट हुआ, हालांकि समय रहते उन्होंने दवा ले ली और वह ठीक हो गई। इसके अलावा अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस महामारी की चपेट में भी आए थे, हालांकि कोरोना से भी वह जंग जीत गए। लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर हमें देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर बिग बी ऐसे कई ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। देर रात भी वह कई बार ऐसे ट्वीट किए हैं, जिसे देखने के बाद फैंस अपनी चिंता को जाहिर करते हुए नजर आए हैं। अमिताभ बच्चन ने बीते कुछ दिनों पहले देर रात एक ट्वीट किया, लिख दिया कि वह काफी अमिताभ बच्चन ने उस वक्त सोशल मीडिया पर लिख दिया था, धड़कनें बढ़ रही हैं, चिंता हो रही है और उम्मीद है सब ठीक होगा। दरअसल अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग भी शेयर किया, उसके जरिए उन्होंने बताया कि पूरा ही दिन उनके लिए काफी ज्यादा हैक्टिक रहा था। जिसके चलते वह काफी ज्यादा थकान भी महसूस कर रहे थे। अमिताभ बच्चन के देर रात उस ट्वीट को देखने के बाद फैंस ने अपनी चिंता को जाहिर किया था। दरअसल अमिताभ ने हार्ट और हाथ जोड़ते हुए इमोजी भी शेयर किया था। अमिताभ के उस ट्वीट के बाद फैंस को लग रहा था कि कहीं वह फिर से बीमार तो नहीं हो गए हैं। लेकिन अब बिग बी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है जो काफी मजेदार भी लग रहा है। बिग बी ने लिखा है, कहा था ना माने नहीं तुम, अब जाओ। बिग बी के इस ट्वीट को देखने के बाद यूजर्स ने अपने दिल की बात कह डाली है, लेकिन यहाँ पर मजेदार जवाब देते हुए भी देखे जा रहे हैं। यहाँ पर एक यूजर ने लिख दिया है, मैं तीसरी बार जलसा में घुसने की कोशिश करता हुआ। इस तरीके से यूजर ने यहाँ पर अपने दिल की बात कह डाली है। लेकिन आप देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में यूजर्स ने यहाँ पर बिग बी के इस ट्वीट को देखने के बाद कई जवाब दिए हैं। कुछ यूजर्स ने यहाँ पर उन्हें नमस्कार किया है, चरण स्पर्श किया है, हाथ जोड़ते हुए इमोटिक शेयर किए हैं, हग इमोटिक शेयर किए हैं, रोज इमोटिक शेयर किए हैं और पूछ भी लिया है कि आखिरकार कहाँ जाना है। वहीं एक यूजर ने लिख दिया है, किसको पीट दिए घर के सरजी। वहीं यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने लिख दिया है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ पर अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट को देखने के बाद फैंस हैरान हैं कि आखिरकार अमिताभ बच्चन किसे डांटते हुए नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट को देखने के बाद एक फैन ने एक मजेदार जवाब दिया है, लिखा है, मैं नहीं जाऊँगा, अब बोलो। और इस तरीके से अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर मजेदार जवाब दिए हैं फैंस ने, जिन्हें देखने के बाद वाकई में अमिताभ बच्चन भी हंसी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अमिताभ बच्चन आखिरकार ये ट्वीट क्यों किए हैं, ये तो सिर्फ अमिताभ बच्चन ही बता सकते हैं। वेल, आपको बता दें, यहाँ पर एक यूजर ने लिखा है, ड्राइवर टंकी फुल करवाने से मना कर दिया था क्या सर। एक यूजर ने लिखा है, नहीं आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आप जहां खड़े होते हैं लाइन आज भी वहीं से शुरू होती है। इस तरीके से बिग बी के इस पोस्ट पर फैंस ने लगातार ये तमाम कमेंट्स कर दिए हैं और कमेंट्स का सिलसिला लगातार जारी है। आप
सभी ने देखा जाना अमिताभ बच्चन के बारे में। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट को देखने के बाद फैंस ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वेल, वर्क फ्रंट के बारे में बात की जाए, अमिताभ बच्चन जहां एक तरफ फिल्म झुंड के जरिए आप सभी को एंटरटेन कर रहे हैं, वहीं जल्द ही उनकी फिल्म रिलीज हो सकती है ब्रह्मास्त्र। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अहम किरदार में नजर आएंगे, तो वहीं अहम किरदार में नजर आएगी क्यूट सी जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की। इतना ही नहीं, इस फिल्म में टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड में कदम रख चुकी एक्ट्रेस मौनी रॉय भी नजर आएंगी। देखना दिलचस्प होगा जब पॉपुलर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एक साथ नजर आएंगे। इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।